टुडे आई विल डिस्कस ऑन मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग मीन्स इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में मशीनिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, वो बेसिकली उसमें क्या टर्म यूज किए जाते हैं और किन कंडीशन से कोई मशीनिंग प्रोसेस गुजरता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है मशीनिंग का, ये किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में, चाहे आप लेथ मशीन की बात कर लीजिए, चाहे आप शेपर की बात कर लीजिए, चाहे आप ड्रिलिंग की बात कर लीजिए, मिलिंग की बात कर लीजिए, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में, सब में आपको ये देखने को मिलेगा कि मटेरियल रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है मेटल कटिंग का, वो सेम है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें हम एक फिगर के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मटेरियल रिमूवल कैसे होता है। फिर हम आगे बात करेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रिमूवल के दौरान जो पार्ट्स उसके बनते हैं उसको क्या कहते हैं और कैसे प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग केस में हम ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका बेसिकली टूल बना हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम एज्यूम करके यहां पे चल रहे हैं। ये आपका वर्क पीस है, ये वर्क पीस और ये टूल एक दूसरे के कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या तो टूल का मूवमेंट आप करा रहे हैं या वर्क पीस का मूवमेंट करा रहे हैं या दोनों का मूवमेंट करा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव मूवमेंट दोनों में होना चाहिए तभी मशीनिंग पॉसिबल है। अब हो क्या रहा है, ये आपका टूल इधर आगे मूव कर रहा है और वर्कपीस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप के फॉर्म में हो रहा है, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप के फॉर्म में हो रहा है। अब चिप की बात आ गई तो हम पहले चिप के बारे में बात कर लेते हैं कि चिप है क्या। चिप बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसी का पार्ट है। मान लीजिए वर्क पीस है, कोई मेटलिक पार्ट है, इसका छोटा छोटा पार्टिकल के फॉर्म में जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसी को हम चिप बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जब टूल वर्क पीस से कॉन्टेक्ट बनाता है तो आप ये देखेंगे कि एक यहां पे शियरिंग अकर करेगा, शुरुआत में एक शियर अकर करेगा। शियर क्या होता है बेसिकली, अब शियर एक टॉपिक आ गया कि शियर, तो इसको हम लोग प्राइमरी शियर जोन बोलते हैं। जब शुरुआत में मटेरियल रिमूव होता है स्टार्टिंग फेज में, तो इस जोन को हम बोलते हैं प्राइमरी शियर जोन। तो फिर हम बात करते हैं भाई ये शियर क्या है। शियर बेसिकली इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लेयर का मूवमेंट दूसरे लेयर के ऊपर से, मतलब एक सरफेस का मूवमेंट दूसरे सरफेस के ऊपर से अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम शियरिंग बोलेंगे। जैसे मान लिया इसको एग्जांपल ऐसे हम कह सकते हैं, मान लिया पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर अगर कहीं फ्लो कर रहा है किसी नदी में, मान लिया फ्लो कर रहा है, तो जो ऊपर वाला लेयर होगा वाटर का उसकी वेलोसिटी अलग होगी और उससे जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा, अगर उसको लेयर फॉर्म में हम एज्यूम करें तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी उससे नीचे वाले की वेलोसिटी अलग होगी। तो एक्चुअली आप उसमें देखते क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर के फॉर्म में वो फ्लो ऑफ वाटर वहां पे होता है और वेलोसिटी आपको ऊपर जो वेलोसिटी मिलती है वो अलग वेलोसिटी मिलती है और नीचे जो वेलोसिटी मिलती है अलग वेलोसिटी मिलती है। सिमिलरली यहां पे भी देखने को मिलता है किसी मेटलिक मटेरियल में भी कि जब टूल का मूवमेंट वर्कपीस के अगेंस्ट में होता है तो इसमें लेयर बाय लेयर मूवमेंट होने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है शियरिंग की वजह से। पहले क्या होता है, शियरिंग होती है, शियरिंग में क्या होता है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करता है। बेसिकली स्लिपिंग और शियरिंग एक ही टाइप की चीज है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से स्लिप करता है। तो अब लेयर का मूवमेंट जब यहां पे होने लगा तो इस लेयर के मूवमेंट की वजह से यहां पे शियरिंग होने लगी, तो इस शियरिंग की वजह से बेसिकली यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ।
ठीक। तो इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ पे जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है वो चिप के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ये आपका वर्क पीस है, ये टूल है, इतना पार्ट आपका ये जो बना हुआ है ये टूल है, और वर्क पीस बेसिकली ये पार्ट आपका वर्क पीस है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये प्राइमरी शीयर जोन, जब स्टार्टिंग में जो मटेरियल आपका रिमूव होता है उस जोन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी शीयर जोन, जो सबसे पहले जहां शीयरिंग हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी शीयर जोन। अब शीयरिंग को का कॉन्सेप्ट क्या है, शीयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लेयर का मूवमेंट दूसरे लेयर के ऊपर से कैसे हो रहा है, स्लिपिंग कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से स्लिप करता है। अगर हम ये माने कि ये जो मटेरियल है वर्कपीस का जो मटेरियल है ये लेयर बाय लेयर बना हुआ है, तो एक लेयर का मूवमेंट अचानक तो डायरेक्ट मूव कर नहीं जाएगा चिप की, मान लिया आपने फोर्स लगाया और तुरंत चिप बन गया, ऐसा नहीं होता है। पहले ये वर्कपीस इसको इसका अपोज करेगा इनर्शिया के कारण, लेकिन चूंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इसलिए आप जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें इनिशिएट होगा और लेयर बाय लेयर मूवमेंट होगा। तो इसी प्राइमरी शीयर के कारण आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और इसी के कारण से चिप फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी शीयर जोन, ठीक है। ये चीज हो गई, तो इसको हम लोग ये पहले हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी शीयर जोन। फिर क्या हो रहा है, ये जो चिप निकल के जो बाहर जा रहा है टूल, ये फेस आपका कहलाता है रेक फेस या रेक सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस से रगड़ता हुआ ये चिप निकल के जा रहा है, ये बना हुआ चिप, ये पूरा इतना मटेरियल जो बना हुआ है ये आपका बेसिकली चिप है, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि जो शीयरिंग हो रही है वो एक सर्टेन जोन में हो रही है, इसीलिए इसको बोला गया प्राइमरी शीयर जोन, ठीक है। एक लाइन नहीं है, इसको हम जोन के फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक। अब ये जो चिप फ्लो होकर जा रहा है इस रेक सरफेस से, तो ये चिप जब इस पर रगड़ता हुआ जा रहा है, रबिंग करता हुआ जा रहा है, तो चूंकि चिप आप देखते हैं कि वो भाई मशीनिंग के द्वारा गर्म होगा, तो ये रगड़ता हुआ जब जाएगा तो यहां पे भी आपको एक ये जो चिप रगड़ता हुआ जाएगा वो यहां भी शीयरिंग क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि शीयर के बारे में हम पहले अभी बता चुके हैं कि एक लेयर का मूवमेंट दूसरे लेयर के ऊपर से हो रहा है, तो बेसिकली यहां पे भी जो मूवमेंट हो रहा है वो रगड़ते हुए रब करते हुए ये चिप फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब शीयरिंग यहां पे भी होगी। तो इसका मतलब यहां पे भी लेयर बाय लेयर मूवमेंट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर से। तो ये सरफेस कौन सा है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग रेक सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग रेक सरफेस। तो इस टूल के इस फेस से, जिस फेस के ऊपर से चिप गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक सरफेस। उसके ऊपर से रगड़ता हुआ चिप जो है वो जाता है, तो इसीलिए यहां पे भी शेयरिंग होती है। तो इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी शीयर जोन। यहां पे भी एक जोन बन जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी शीयर जोन। सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी पहले अगर करता है उसके बाद सेकेंडरी अगर करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड, बाद में ये चीज अगर करता है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी शीयर जोन, ठीक। होता क्या है कि जब ये चिप फ्लो कर रहा होता है, जब आप मशीनिंग करते हैं और ये चिप निकलता है तो ये गर्म होता है, और ये इस सरफेस से रगड़ता हुआ जब जाता है तो वो पहले से ही गर्म होता है और फिर रबिंग के कारण और गर्म हो जाता है। तो ये जो चिप निकल रहा है वो कहीं ना कहीं चिपकने लगता है इस फेस पे, इसीलिए इस जोन को हम लोग बोलते हैं स्टिकिंग जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो चिपकने की टेंडेंसी, तो वो यहां पे चिपकने लग जाता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको स्टिकिंग जोन। तो दो जोन के ऊपर बात हो गई, प्राइमरी शीयर जोन और दूसरा सेकेंडरी शीयर जोन, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं स्टिकिंग जोन। क्यों स्टिकिंग जोन कहते हैं, क्योंकि वो चिपकने लगता है इस सरफेस पे जाके, इसलिए उसको बोलते हैं स्टिकिंग जोन। तो बेसिकली यहां पे हम लोग शीयर जोन इन मेटल कटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेन टॉपिक आपका था वो मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग था, कि मतलब किसी भी मशीनिंग में ये मैकेनिज्म होना आप देखेंगे हर जगह, ये चीज एप्लीकेबल होगी। दो जोन बनेंगे, प्राइमरी शीयर जोन बनेगा और सेकेंडरी शीयर जोन बनेगा।
ये आपका चिप फ्लो कर रहा है, चिप जो है जिस फेस से फ्लो करते हुए निकलता है उस फेस को हम लोग रेक फेस या रेक सरफेस बोलते हैं। ठीक, इतनी बात है क्लियर। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आगे फिगर नंबर टू की। इसमें हमने डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि हमें रेक एंगल समझाना था, रेक सरफेस बताना था, मशीन सरफेस क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इस सब के बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नेम इसको ना देके हम ऐसे डायरेक्टली समझा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, फिगर लगभग उसी तरीके का है, हम कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े इसलिए एक फिगर में ये सब चीजें नहीं शो कर रहे हैं, इसको अलग से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक ही जगह पे वो मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है, इस फिगर में भी प्राइमरी शियर जोन बनेगा, सेकेंडरी शियर जोन बनेगा, लेकिन इसको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए फिगर नंबर टू में ये वर्कपीस दिखाया गया है कि वर्कपीस ये आपका टूल शो किया गया है। अब इसमें ये शो किया जा रहा है, देखिए कि जो आपका ये वर्कपीस और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी आपका वी है, रिलेटिव वेलोसिटी वी है। अब जो कटिंग वेलोसिटी है, कटिंग वेलोसिटी का परपेंडिकुलर क्या हो गया, कटिंग वेलोसिटी अगर ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस आपका है, जिस सरफेस के ऊपर से चिप गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये सरफेस आपका रेक सरफेस है। कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और इस रेक सरफेस के बीच का एंगल जो है उसी को हम लोग रेक एंगल बोलते हैं, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह सभी जगह आप देखेंगे, चाहे आप मिलिंग के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप ड्रिलिंग के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप शेपर के बारे में बात कर लीजिए, ये सभी मशीनिंग प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस के बीच के बने एंगल को रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये एंगल एक क्लियर, ये आपका सरफेस रेक सरफेस है। ठीक है, ये बेसिकली आपका टूल है, ये टूल कहां से कहां तक है, ये चीज है, ये आपका वर्कपीस है, ये सरफेस मशीन सरफेस है। मशीन सरफेस क्या, मशीन सरफेस मतलब वो सरफेस जिसकी मशीनिंग हो चुकी है। ये एंगल क्लियरेंस एंगल है, ये एंगल क्लियरेंस एंगल है, ये सरफेस आपका फ्लैंक सरफेस कहलाता है, इसको हमने लिखा नहीं है लेकिन अभी लिख लीजिए, ये सरफेस आपका क्या कहलाता है, फ्लैंक सरफेस या फ्लैंक फेस कह सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है आपका फ्लैंक सरफेस। ठीक है, इस सरफेस फ्लैंक सरफेस और मशीन सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इतना क्लियर ना। ठीक, अब एक चीज इसमें ये हमको देखना है कि फिर से एक बार हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस के बीच का एंगल जो होगा वो आपका रेक एंगल होगा। ये टूल आपका इतना पार्ट, ये टूल है, इस सरफेस जो आपका रेक सरफेस के अपोजिट वाला सरफेस जो है ये फ्लैंक सरफेस जो कहला रहा है, फ्लैंक सरफेस और मशीन सरफेस के बीच का एंगल क्लियरेंस एंगल है, ये फेस आपका रेक सरफेस कहलाता है, ये फेस आपका फ्लैंक सरफेस कहलाता है। ठीक है, अब ये बात हो रही थी कि ये मशीन सरफेस क्या है, मशीन सरफेस वो सरफेस है जिसकी मशीनिंग हो चुकी है, मशीन सरफेस बेसिकली वह सरफेस है जिसकी मशीनिंग हो चुकी है। मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये टूल इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे है, कुछ देर पहले ये टूल यहां ना होके कहीं पीछे रहा होगा, तब ये आपका वर्कपीस जो है यहां पे, हम ये लाइन नहीं खींच रहे हैं, इसे पेन चला रहे हैं, देखिए ये आपका जो जिसकी मशीनिंग नहीं हुई थी अनकट मटेरियल आपका इतना रहा होगा, मतलब इसकी मशीनिंग नहीं हुई रही होगी, लेकिन जब ये टूल यहां से यहां आगे बढ़ा तो कुछ मटेरियल वो रिमूव करके चिप के फॉर्म में फ्लो करा ले गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया मशीन सरफेस, वह सरफेस जिसकी मशीनिंग हो चुकी है।
अभी इस सरफेस की मशीनिंग नहीं हुई है, लेकिन ये टूल अगर यहां से यहां आगे बढ़ गया यहां कहीं, तो इसकी मशीनिंग हो जाएगी और इतना मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तब ये जो सरफेस होगा तब उस समय इसको हम मशीन सरफेस कहेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे इसको इस सरफेस को हम मशीन सरफेस नहीं कहेंगे चूंकि इसकी मशीनिंग फिलहाल नहीं हुई है, ठीक ठीक। अब इसके आगे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कटिंग पैरामीटर्स की भी डिस्कस कर लेंगे, उसे प्रूफ में इसको बताना था लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको दिखा देते हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये फिगर हम कॉम्प्लिकेशन के लिए, हमने कहा कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए इस फिगर को हम यहाँ पे और भी चीजों को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो काम की चीज है आपकी, ये फिलहाल आप देखिए, ये T1 जो है इसको बोलते हैं अनकट थिकनेस। अनकट थिकनेस मतलब क्या, वह थिकनेस इसको अभी काटना है, अभी टूल जब यहाँ पे है कुछ देर बाद जब यहाँ आ जाएगा तो इतना मटेरियल जो ये मटेरियल है ये पूरा मटेरियल रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये थिकनेस, इस थिकनेस को हम लोग बोलते हैं अनकट थिकनेस, मतलब अभी ये थिकनेस कटा नहीं है, इसको काटना हमको बाकी है। तो ये T1 जो है बेसिकली आपको कह रहा था अनकट थिकनेस, मतलब वह थिकनेस जिस थिकनेस को अभी हमको काटना है, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, ये चिप जो फ्लो होके निकल रहा है, इस चिप का जो थिकनेस है T2, इसी को बोलते हैं हम लोग चिप थिकनेस। तो ये एवरेज थिकनेस है चिप का, जिसको हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि भाई T2 यूनिफॉर्म होगा, जो चिप आपका निकल के जा रहा है वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में है, एक्चुअली ऐसा आकर नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलेंगे एवरेज चिप थिकनेस बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, बट ये हम आइडियल कंडीशन में मान के चलते हैं कि ये जो T2 है ये कहलाता है आपका चिप थिकनेस, ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतने की जरूरत फिलहाल हमको ये थी, बाकी को हम प्रूफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ठीक। तो ये अनकट थिकनेस और चिप थिकनेस, ठीक। अब एक और टॉपिक है, इस पर हम लोग फिलहाल बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका बिल्ट अप एज, ठीक है। अभी बेसिकली बिल्ट अप एज क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट अप एज, ये क्या मतलब, बिल्ट अप एज का क्या मतलब समझ में आ रहा है। बिल्ट अप एज नाम से देखिए, बिल्ट अप एज इसका मतलब कोई नया एज बिल्ट हो गया है, कोई एक नया एज बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट अप एज। क्या बिल्ट अप एज क्या होगा, इसका मतलब जो एज हमारा पहले से था, ये जो कटिंग एज है इस फिगर में भी देखिए, ये बेसिकली आपका कटिंग एज है, यही कटिंग परफॉर्म कर रहा होगा जो रेक सरफेस वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो एज है, इस एज के सामने अगर कोई दूसरा एज आ जाए तो ये एज पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे कटिंग तो कर नहीं पाएगा, तो काटेगा कौन, ये जो एज उसके सामने आ गया है। तो इस जो सामने आ गया है एक्स्ट्रा मटेरियल, ये अब एज की तरीके से काम करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया बिल्ट अप एज। इसका मतलब एक नया एज बिल्ट अप हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बिल्ट अप एज। तो ये बिल्ट अप एज तो ठीक है, इसका मतलब एक नया एज फॉर्म कर गया है। अब ये कैसे फॉर्म करता है, क्यों फॉर्म करता है, क्या बिल्ट अप एज ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस फिगर में भी बेसिकली आप देखेंगे कि सभी चीजें जो बाकी फिगर्स में हम लोग डिस्कस किए हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन उसको शो नहीं किया गया है। क्यों नहीं शो किया गया, क्योंकि कॉम्प्लिकेसी ना बढ़े, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे रेक एंगल भी दिखाने प्रयास किया जा रहा है, क्लियरेंस भी दिखाने प्रयास किया जा रहा है, और बाकी चीजें आपका अनकट थिकनेस, चिप थिकनेस, तो ये सब चीजें यहाँ भी विद्यमान रहेंगी, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन हम उसको इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि देखने में थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेसी ना वहाँ बढ़ जाए, थोड़ा सा समस्या ना क्रिएट हो जाए, कि बाकी चीजों पे फोकस आप ना कीजिए, आप फोकस फिलहाल आप बिल्ट अप एज पे कीजिए, कि बिल्ट अप एज होता क्या है, ये कब अराइज होता है और ये कैसे डिसअपियर होता है, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछता है कि भाई बिल्ट अप एज क्या है और बिल्ट अप एज क्यों क्रिएट होता है और बिल्ट अप एज के होने से क्या बेनिफिट है या कोई लॉस है और या बिल्ट अप एज डिसअपियर कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब इस फिगर में भी जैसे आप दिखाया गया, ये टूल शो किया गया, ये आपका चिप दिखाया गया, चिप फ्लो कर रहा है,
ये जो डॉटेड जो बनाया गया है, ये डॉट डॉट करके जो हम बनाए, ये पार्ट इतना पार्ट, ये आपका बिल्टअप एज, ये है, ये बिल्टअप एज है, ये बिल्टअप एज का मेन पार्ट है, और ये भी एक बिल्टअप एज का ही पार्ट है, ये आगे जाके मटेरियल जो है चिप के साथ आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली बिल्टअप एज ही है, और ये मेन बिल्टअप एज है, मेन इन द सेंस कि ये एज की तरीके से काम कर रहा है, ये अब आगे फ्लो हो गया, ये पहले कुछ देर पहले इसे रहा होगा, ये टूट टूट के रगड़ते हुए चिप के साथ धक्का खाते हुए आगे निकल जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बिल्टअप एज बनता कब है। होता क्या है, जब हम कटिंग वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज करते हैं, जब कटिंग वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू के बाद इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है कि कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, आप देखते हैं फ्रिक्शन, अगर आप कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, रबिंग इंक्रीज होगा, वहां पर टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर राइज होने से, सवाल ये आता है। तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, हमने बताया था दो जोन, कहा था कि एक प्राइमरी शियर जोन यहां बनता है, एक सेकेंडरी शियर जोन इधर बनता था, बताया था, यहां पे ड्रॉ नहीं किया गया है, इस फिगर में बनाया गया था, यहां पे प्राइमरी शियर जोन है और यहां पे सेकेंडरी शियर जोन। सेकेंडरी शियर जोन को क्या बोलते थे, स्टिकिंग जोन, क्यों कहते थे, कहते थे चिपकने लगता है मटेरियल इस रेक सरफेस पे। तो एग्जैक्टली यहां पे भी यही होता है कि ये मटेरियल जो है आके यहाँ पे चिपकने लगता है इस सरफेस पे, ये आपका रेक सरफेस है, रेक फेस है, यहाँ पे मटेरियल चिपकने लगता है। जब कटिंग वेलोसिटी आप इंक्रीज करते हैं तो वो जो चिपकने की टेंडेंसी है, जो स्टिक करने की टेंडेंसी है, वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब मटेरियल ज्यादा चिपकने लगा। अब ज्यादा चिपकने लगा तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे एक ढेर इकट्ठा हो जाता है, एक लंप फॉर्म कर लेता है, LUMP, लंप, एक ढेर इकट्ठा हो जाता है इस फेस पे, उसी ढेर को हम बोलते हैं बिल्ट अप एज। वो जो लंप फॉर्म करता है, जो ढेर फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बिल्ट अप एज। लेकिन इसको बिल्ट अप एज क्यों बोलते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एज के सामने ढेर इकट्ठा हो जाता है। अब अगर ये एज के सामने ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो जो हमारा पहले एज था, जो कि कटिंग एक्शन कर रहा था, जो कि मशीनिंग परफॉर्म कर रहा था, वह अब मशीनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस एज के सामने कोई और चीज इकट्ठा हो गई, और चीज मतलब यही चिप, जाके चिपक गया, ये स्टिक कर गया। तो इसका मतलब जो एज जो पहले काट रहा था, वो अब काटने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसके सामने एक ढाल की तरीके से कोई चीज आ गई, जैसे आप तलवार और वो ढाल देखते हैं, तो उस तरीके से ढाल की तरीके से कोई चीज आके खड़ी हो गई, तब वो ढाल